हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को वन 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 टू फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले भी लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बताया था, तो जो कि आप एक बेसिक के तौर पे सीख सकते हो कि कैसे वन 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 या वन टू फंक्शन या मेनी वन फंक्शन को हम लोग बता सकते हैं, नेचर को बता सकते हैं एनालिटिकल मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए डिफरेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आपको मैं डेवलप करा सकूँ। तो बोल रहा है सो दैट फंक्शन आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन है, किस तरह से fx इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये आपका एज ए फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ। इज सर्जेक्शन, आपको बताना क्या है कि सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू फंक्शन है बट नॉट इंजेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव का मतलब वन वन, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट वन वन। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा ध्यान से देखिएगा, ऑन टू हम लोग सब्जेक्टिव को बोलते हैं, इंजेक्टिव किसको बोलते हैं वन वन को बोलते हैं। ठीक है, मेनी वन का कोई वैसा नाम नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, तो आपको ये बताना है कि ये सब्जेक्टिव है बट वन वन नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि ये एक तरह का कैसा फंक्शन है। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन आपको प्रूफ करना है, मेनी वन ऑन टू, क्योंकि इंजेक्टिव नहीं है मतलब क्या है, मतलब सॉरी हाँ मतलब इंजेक्टिव नहीं है मतलब क्या है, आपका वन वन नहीं है, वन वन नहीं है मतलब मेनी वन है। ठीक है, मेनी वन है और आपको बोल रखा है ठीक है कि ऑन टू नहीं है, मतलब सॉरी ऑन टू है, सब्जेक्टिव है मतलब ऑन टू है, तो मेनी वन ऑन टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, मेनी वन ऑन टू प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग, तो ये तो सामने से आपको दिख रहा होगा कि एफ एक्स जो दे रखा है वो एक्स का अगर मैं वन वैल्यू लूँ या टू वैल्यू लूँ या थ्री वैल्यू लूँ, तो ये तीनों वैल्यू पे फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तीन डिफरेंट वैल्यू पे सेम वाला चीज़ दे रहा है, मतलब इधर अगर वन है टू है थ्री है तो इधर वो सारा का सारा जीरो से ही रिलेटेड है। अगर आप मैपिंग के फॉर्म में भी अगर इसको डिस्क्राइब करोगे ठीक है, इधर तो और भी कुछ चीज़ें हो सकती है ठीक है, और भी इसमें नंबर होंगे, तो ये क्या हो गया, इस तरह से क्या दिख रहा है कि ग्रेटर देन साइन वाला है। ठीक है, तो ये कैसा है, मैंने पिछले क्लास में मैंने बच्चों को बताया रखा है ठीक है कि अगर इस तरह का साइन आता है ग्रेटर देन साइन वाला, मतलब मेनी वन फंक्शन है, इस तरह का साइन देख रहे हो मतलब मेनी वन, और लेस देन साइन तो फंक्शन के लिए पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है मेनी वन, तो ये तो प्रूफ हो गई कि ये मेनी वन है, मेनी वन है मतलब इंजेक्टिव नहीं है। व्हाट अबाउट सर्जेक्शन, सर्जेक्शन मतलब, सर्जेक्शन मतलब क्या, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब बेसिकली कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए। तो ये कोडोमेन तो आर दे रखा है, मतलब ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आपको रेंज भी प्रूफ करना होगा। तो चलिए एफ एक्स का रेंज मेरे को प्रूफ करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बताइएगा हमारे स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू मैं अगर इन्फिनिटी लेता हूँ, अगर इस वैल्यू में एक्स का वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो बताइएगा आंसर क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा, कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा, जब मैं एक्स का वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अब एक्स टेंस टू अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लूँ, मतलब एक्स का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करूँ तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा, ये भी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये आपका रिजल्ट एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेंज जो एफ एक्स का होगा वो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेसिकली ऑल रियल नंबर, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, तो ये प्रूफ हो गया ना, ऑन टू भी हो गया और मेनी वन भी हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा सा आप अपना दिमाग को यूज़ करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेसिकली जे मेन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सेट ए से सेट बी की ओर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट दे दिया, सेट ए में दे दिया इतना एलिमेंट है, सेट बी में दे दिया एन एलिमेंट्स है इस तरह से, और पूछेगा कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन या वन टू फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन में तो वन वन फंक्शन पूछा है, आप पढ़ सकते हो ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सेट ए से सेट बी की ओर, सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, सेट बी में कितने हैं, फाइव एलिमेंट्स है, तो आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछा है। देखिएगा वन वन फंक्शन, तो इसमें सपोज कीजिए तीन एलिमेंट है और इसमें कितने हैं, फाइव एलिमेंट है, इसको मैं डॉट से दिखा दे रहा हूँ। तो वन वन फंक्शन कब होता है, वन वन फंक्शन तब होता है जब एक का एक से रिलेशन हो, एक का एक से, मतलब ये तीन एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है ना, ये तीन एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है, यही तीनों को, ये तीनों को, ये तीनों को डब्बे को, ये ना ये तीन चीज़ों के लिए मैंने इसको तीन बॉक्स मान लिया,
ये तीन बॉक्सेस को, ये तीन एलिमेंट को रिलेट करना है इस फाइव से। जैसे आप ऐसे सोच सकते हो ना एक तरीका कि ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, है ना, ये इससे हो गया, ऐसे सोच सकते हो। या फिर यही वाला एलिमेंट मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक तरीका और हो सकता है इसको आप, है ना, ये तरीका और हो सकता है कि ये वाला एलिमेंट इससे न जाके अब इससे आ जाए, ये इससे आ जाए, ये इससे आ जाए, ऐसे तरह के। तो मतलब हर एक एलिमेंट के पास, ये वाले के पास कितना है, इसके साथ भी जा सकता था, ठीक है, इसके साथ भी जा सकता था, या फिर ठीक है, ये चीज़ को देखिए मैं अलग तरीका बना रहा हूँ, उसी में नहीं इम्पोज कर रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान में रखिए, ना तो बोलिए सर फंक्शन ही नहीं होगा वैसे फिर, ठीक है। ये जो ये वाला एलिमेंट है, इसके साथ भी जा सकता था, या इसके साथ भी जा सकता था, या इसके साथ भी जा सकता था, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, पाँच ऑप्शन है। एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, पाँच ऑप्शन है। अब क्या दूसरे के लिए भी पाँच ऑप्शन अवेलेबल होगा अगर वो फंक्शन वन वन है? नहीं, क्योंकि वन वन अगर होगा तो ये वाला, अगर किसी एक को अगर आप फिक्स करते हो तो ये फिर उसको नहीं ले सकता, ठीक है, ये चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पहले वाले को फिक्स कर दिए किसी एक वे में कि ये इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो उस केस में तो ये दूसरा नहीं ले सकता है, तो दूसरा नहीं ले सकता, दूसरे पास कितना बचेगा, चार ही बचेगा। फिर उसी तरह से दो फिक्स हो गया तो तीसरे के पास कितना बचेगा, तीन ही बचेगा, ठीक है। तो टोटल वे कितना हो गया, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, ठीक है, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री मैं बोल सकता हूँ। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, आप यहाँ से बोल सकते हो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, फाइव पी थ्री भी ये आंसर हो जाएगा। आप इसको निकाल के देख लीजिए, देखो फाइव फैक्टोरियल आप लिखोगे, एन पी आर को आप कैसे लिखते हो, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एक चीज़ को, इस चीज़ को मैं रब कर दे रहा हूँ एक सेकेंड, है ना, ये पी एन पी आर भी लगाओगे तो भी आप यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एन पी आर मतलब बेसिकली ये चीज़ रिजल्ट होगा, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे फाइव फैक्टोरियल है ना, तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ को आप इंटू टू फैक्टोरियल, और नीचे में आपका क्या होगा, फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल, दट इज टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एन पी आर का आपका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से रखिएगा, यूज़ करिएगा इसको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे बस आसानी से आप बना सकते हो। कॉम्बिनेशन में एन सी आर में आपका आर फैक्टोरियल भी आ जाता है, ठीक है। तो वो इस वाले पहले मैं बाई मिस्टेक लिखाया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका कितना तरीका हो गया, 60 हो गया। तो 60 वे में आप इसको, मतलब 60 तरीका है, मतलब 60 नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन सकते हैं, मतलब 60 तरीके से आप इस क्वेश्चन को वन वन फंक्शन बना सकते हो। जैसे पहला ये हो गया कि पहले को फिक्स कर दो, ये दो, दूसरा को 60 तरीका से कर सकते हैं, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो कैसा लगा हम लोगों का ये लेक्चर, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, शेयर करें सो दैट उन लोग भी ये सेशन का मतलब बेनिफिट उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, सो दैट मैं आप लोगों को, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट से मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करता रहूं, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करते रहो स्टूडेंट, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट, ठीक है, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।